Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है Who is coming towards you? आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कमिटमेंट, मैरिज और whatever you are interested in for your future spouse, कौन लेके आ रहा है. Okay, ये भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ्स पाइल वन एंड पाइल टू. ठीक है, दीज आर योर बर्थ डेट्स एंड आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो. जो इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर वन वाइट फैदर एंड पाइल नंबर टू पिंक फैदर. ओके, सो विच एवर इज कॉलिंग योर मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम, वेलकम ग्रुप नंबर वन. आपने पहला वाला ग्रुप चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू ग्रुप नंबर वन. प्लीज स्पिरिट गाइड्स गाइड मी फॉर दिस वन. ओके, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स. King of Wands and you have Eight of Swords. Okay, Eight of Swords. The Magician and Two of Cups. वेल, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर कार्ड्स निकल के आए हैं ग्रुप वन के. दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ समबडी के बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है यहाँ पर. इनकी कमिटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. आई कैन लिटरली सी हियर कि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना और यहाँ पर एग्जैक्टली साथ मजिशियन की एनर्जी होना, एक बहुत ही किसी जिसे बोलते हैं ना कि जो एक ऐसा इंसान जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने की क्षमता पावर रखता है, दैट इज़ दिस एनर्जी. ओके, ऑल्सो फॉर दिस थिंग किंग ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स समबडी के जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये इंसान आपको मतलब खुद भी ये रिस्पेक्टफुल है और ये आपको भी बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्पेक्ट देगा. ठीक है, और अगर आप किसी ऐसे मसले में फंसे हो, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ सोर्स है, अभी की नहीं तो फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है. हो सकता है आप किसी ऐसी ही प्रॉब्लम में स्टक हो जाओ कि जहां आपको लगे कि शायद यहां से निकलना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और आपको लगे कि शायद मेरी यहां शादी नहीं हो सकती. ठीक है, आप किसी को हो सकता है पसंद करते हो और आपको लगता है कि भी पॉसिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे या जो भी एक्स वाई जी प्रॉब्लम है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉर्ड्स और मजिशियन की एनर्जी रिप्रेजेंटिंग कि यह पर्सन संभाल सकता है. वो कन्विंस भी कर लेंगे, क्योंकि मजिशियन पावर जो होती है बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा हाई इनकी वो होती है कन्विंसिंग पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं इन लोगों की. ओके, और ये इंसान अपने चार्म यूज़ करके, अपनी पावर यूज़ करके, अपनी कम्युनिकेशन लेवल पर या फिर इन लोगों में नेचुरल अट्रैक्शन इतनी होती है कि दे कैन कन्विंस अदर्स. ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वाई कि नहीं होगा, होगा क्या बनेगा मेरा, डू नॉट वरी. ओके, सो यहाँ पर है टू ऑफ कप्स की एनर्जी लिटरली रिप्रेजेंटिंग समबडी योर सोल पार्टनर. ओके, यहाँ पर मोहब्बत की जिसे बोलते हैं ना बहुत ही गहरी दास्तानें हैं. ठीक है ना, दिस पर्सन हैज़ गॉट अ डीप 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 लव फॉर यू और डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज है और कम्युनिकेशन भी आ रही है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है कि ये बंदा किसी का भी ना वो जिसे बोलते हैं ना किसी का अपने सर पर भार नहीं रखता है.
लिटरली जितनी भी मोहब्बत आप इसको देंगे एवेंचुअली आपको रिटर्न होके वापस आपको ये उतनी ही मोहब्बत मिल के उसे डबल ट्रिपल करके ये पर्सन लुटाएंगे। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि क्या आप इनको जानते हैं कि नहीं, क्या आप इनको जानते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्या आप इनको जानते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, तीनों सोर्ड्स एनर्जी है और डीपली ये एक ही यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन देखो या तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ मिक्स एनर्जी आ रही है, ठीक है, या तो ये पर्सन वो है जो आपका दिल तोड़ के आपको छोड़ कर चला गया था, ठीक है, एक्स पार्टनर आई मीन, लेकिन क्योंकि मोस्टली लोग आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हो अपने एक्स में या फिर अपने उनको सेकंड चांस नहीं दोगे, तो उन लोगों के लिए आई वांट टू टेल यू कि ये कौन है। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन, सोर्ड्स एनर्जी बहुत पावरफुल है, लीब्रा एक्वेरियस जेमिनाई दी हर्मिट। देखिए ये पर्सन आपको खुद फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अगर आप नया पर्सन चाहते हैं अपना एक्स पार्टनर नहीं चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको खुद के लिए स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। आप हर्मिट मूड में, मे बी आपसे कोई काम नहीं होता, आप में शक्ति नहीं है, आप में पावर ही नहीं है, आप करना तो चाहते हैं बट यू डू नॉट नो हाउ एंड लाइक किस तरह सब कुछ होगा, ठीक है। फॉर अ वॉन्ट्स, ये सब कुछ आपको डिवाइन पर छूना पड़ेगा, आप अभी नहीं जानते हैं इनको, मे बी दे आर कमिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो तो होने ही थे, जारी सी बात है, ट्रस्ट इश्यूज़ तो होने ही थे क्योंकि इतना आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, इतने आपने उसी देखे हैं ये सब चीज़ें होती हुई, तो यू हैव टू बी लाइक आपको करना ही पड़ेगा ये सब कुछ ना, लिटरली आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर ग्रुप नंबर वन आई डोंट थिंक सो कि इतने कोई फेथफुल लोग आपके अराउंड हैं। टेन ऑफ कप्स, आपको ये पर्सन थोड़ी हो सकता है देर से मिले लाइफ में अगर आप इसको नहीं जानते, बट जब ये मिलेंगे तो आपको ये फुल फीलिंग लाइफ देंगे, यू सी टेन ऑफ कप्स, ठीक है। फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली हैप्पी एंडिंग है, आपके लाइफ में अच्छी फैमिली है, अच्छा पार्टनर है, बट यू हैव टू डेफिनेटली यू हैव टू लुक एट योर ओन सेल्फ, आप बिल्कुल खुद का ख्याल नहीं रखते हो और ध्यान आपके इधर उधर है, सॉरी टू से, ठीक है, तो लोगों के कामों में और लाइक लिटरली यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, खुद की हीलिंग में आप समय नहीं बिताते हो और लिटरली आपको खुद की कोई परवाह नहीं है एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी यू नो फ्रूटफुल फॉर यू। डेफिनेटली आपका पर्सन आपको जब भी मिलेगा, जब आप काफ़ी अच्छी स्टेट में होंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जब आप सेल्फ लव सिचुएशन में होंगे, और पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग के आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए खुद के लिए बेटरमेंट्स, और ये इंसान भी नाइन ऑफ वंड्स काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है ज़िंदगी में, ये भी इतना खुश नहीं है, ठीक है, मे बी इनकी भी सिचुएशन अभी इतनी ठीक नहीं है द एम्प्रेस, लेकिन लिटरली आपको जब ये मिलेंगे ना तो डेफिनेटली आई नो कि ये पर्सन विद द एम्प्रेस एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लिटरली दे आर गोइंग टू बी कंसिडरिंग यू एज देयर प्रिंसेस, एज देयर क्वीन, ठीक है ना। देखो एम्परर एंड एम्प्रेस, दिस इज़ द पेयर, दिस इज़ यू एंड दे, ठीक है, सो बी रेडी, बी लाइक गोइंग। आई थिंक पाइल नंबर टू, पाइल वन, अगर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि कोई है ऐसी सिचुएशन के जहाँ आपको पर्सन नहीं मिल सकता कोई, या देखो बहुत सारी ब्लॉकेजेज हैं आपको लगता है और आपने खुद ही ये पाल रखी हैं ब्लॉकेजेस, आप जब तक इन ब्लॉकेजेस को नहीं काटेंगे जब तक ये नहीं ये पर्सन आएंगे। आई एम बींग वेरी क्लियर एंड ब्लंट हियर,
ठीक है, तो आप अपनी देखो ना, आप अपनी सिचुएशन को देखो, आपका ये हाल है कि आप खुद को छोड़ के दूसरों के पीछे भागते हो, यानी कि ना वो आएगा वो ये करेगा, या उसका काम हो जाए मेरा काम कोई नहीं, ठीक है। तो ठीक है, दूसरों की ज़रूरतों को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, हमारा ये यू नो ड्यूटी है कि हम दूसरों की हेल्प करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि खुद को भूल जाओ, खुद को आप हील नहीं करते हो, खुद आप अंदर से एम्प्टी हो और दूसरों की मदद करने निकले हो, दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स, ठीक है। सो इस वजह से आपको ब्लेसिंग्स आती नहीं है आपके पास, या बहुत देर हो जाती है फार्मिंग। तो ये पर्सन हो सकता है कुछ फार्मिंग का काम करते हों, ठीक है, या फिर ये किसी फोर्स में हो सकते हैं, बैटल्स में, आर्मी पुलिस या इस तरह की कोई और भी फोर्स हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं, या फिर इनका प्रोफेशन ट्रांसपोर्टेशन से हो सकता है, किसी किस्म के भी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसमें कुछ भी काम करते हो सकते हैं, या किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका रिलेशन ट्रांसपोर्टेशन से है। बहरहाल ये पर्सन बहुत डीप फीलिंग रखता है, ये इमोशनल है। वाटर साइन या एयर साइन, ये दो मैं आपको बता रही हूँ। वाटर साइन में आते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एयर साइन में आते हैं लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, ठीक है, गैलेक्टिक। सो काफ़ी स्पिरिचुअल है, लेटर यू कैन सी स्पेस एंड सी कमिंग अप टुगेदर। तो ये इंसान काफ़ी डीप है, काफ़ी मिस्टीरियस हो सकता है, इसको समझना आसान नहीं हो, ठीक है। सो मुझे ऐसे दिखता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रिलेशनशिप रहेगा, बिकॉज़ यहाँ पे स्पेस एंड सी, डीप सी का आना इकट्ठा आना इज़ लिटरली लाइक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप दोनों अभी एक दूसरे से काफ़ी दूर है, जैसे स्पेस जो है डीप सी से दूर है, इसी तरह से हो सकता है आप दोनों अभी एक दूसरे से दूर हैं, बट ये जो दूरी है ये हमेशा नहीं रहने वाली, यू आर गोइंग टू बी मेकिंग इट अप इवेंचुअली, ठीक है। सो लेट्स सी दी कनेक्शन आप दोनों का कैसा रहेगा। मैनिफेस्टेशन, मैंने आपको पहले भी बोला यू वुड हैव टू मैनिफेस्ट, ठीक है, आपको उनको मैनिफेस्ट करना ही पड़ेगा। मच्योर हैं ये काफ़ी मेंटली इमोशनली, दे आर क्वाइट मच्योर, और ये कनेक्शन भी मच्योर ही होगा, ठीक है ना। बाउंड्रीज, हाँ अभी रुकावटें हैं, मैंने इसमें आपको पहले बताया जो जो प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको बताया है, लेकिन इंटीमेसी बहुत ही इंटीमेट और बहुत ही नज़दीक कनेक्शन होगा। ल्यूमिनोसिटी लिटरली बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी देर है, वो भी सिर्फ इस वजह से देर हो रही है क्योंकि यू नो यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, आपने खुद को प्रिपेयर नहीं करा हुआ, आप खुद हील नहीं हो, इस वजह से अगर देरी हो भी रही है तो हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को स्पीड अप करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन, हाउ, जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और मैनिफेस्ट करें, हाई वाइब्रेशन में रहें, डिवाइन से कनेक्टेड रहें। सो आई फील ग्रेटफुल, देखा, जस्ट स्टे ग्रेटफुल, एक सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन अगर किसी भी इमोशन की होती है तो डैट इज़ ग्रेटफुलनेस। जब हम हैप्पी होते हैं हमारी करंट सिचुएशन में, ठीक है, थैंकफुल होते हैं, जब हम कनेक्टेड होते हैं, आई एम कनेक्टेड, ठीक है, गेट कनेक्शन फ्रॉम गॉड, फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है ना, देन यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, सही है। सो लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन, व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ओके, दिस इज नाउ हाई स्कूल क्रश हो सकते हैं ये आपके, एंड वर्कआउट काफ़ी जिम शेम इनको पसंद है करना, करते हैं, रशिया की वाइब्स हो सकती हैं। मैं और वेट नहीं कर सकता, बी माइन, वेरी सक्सेसफुल,
तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता है, बंदा थोड़ा पोसेसिव लगता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल, आई लव यू। डेट ऑफ बर्थ 22nd से 31st के बीच में हो सकती है। मे बी ब्लैक हुडी ये पहन के रखते हैं का कुछ कनेक्शन हो सकता है। ब्लू शर्ट, फैमिली पर्सन, यूटा, ये अमेरिका है, यूएसए, समय भी यूएसए से कुछ कनेक्शन हो आपके पर्सन का। साउथ अफ्रीका, शायद कोई टैटूज़ वगैरह बनाए हों उन्होंने, या ये पसंद करते हैं टैटूज़ वैसे ही। सेल्स डिपार्टमेंट, रिच पर्सन, डांसिंग या म्यूज़िक क्लास में हो सकता है आपकी पहली मुलाकात हुई हो, नेवर नो। डील्स इन क्रिप्टो करेंसी, तो डिजिटल करेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक्स, ठीक है ना। मिस यू सो मच, आपको बहुत याद करते हैं। ब्लू कार, ठीक है। बोल्ड पर्सन है, काफ़ी बोल्ड है, ब्रेव है। वर्गो हो सकते हैं, यूएसए अगेन, एलए, 911 अगेन, दिस इज़ सम एमरजेंसी कॉल फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। Let's see what comes up for you. Okay. So name initials जो है यहाँ पर सबसे पहले है आपके पास Z, U, P, O, K, N, F, Q, M, B, W, H, D, X, A, and L. These are the name initials of your person. Okay guys, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, take care. I love you and bye-bye. Hey loves, hello, welcome. Group number 2. If you chose the second option, my love, let's see what comes up for you. So, who is coming? Kya aap unko jante hain? Let's see. क्या इनकी डिटेल्स हैं? ओके, आपके पास है सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है टेन ऑफ वांड्स। क्या आप इनको जानते हैं? आपके पास आगे फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, गाइस पेंटिकल्स एनर्जी है यहाँ विद अर्थ साइन टॉरस कैप्रिकॉन एंड वीरगो। यहाँ पर जो चीज़ मुझे मैक्सिमम चीज़ दिख रही है, दिस पर्सन इज रियली रिच, एक्सट्रीमली रिच, वेरी वेल्दी एंड वेल ऑफ, ठीक है। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है ये कोई अपना वैसे ही रैंडमली एक्स्ट्रा, मतलब जो जॉब करते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा भी ये कोई काम ज़रूर करते हैं, क्योंकि द टाइप ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी दे हैव, ये खाली जॉब से नहीं पॉसिबल, ठीक है। हो सकता है इसकी फैमिली पूरी मिलकर के कोई काम करती है, और ये फैमिली पूरा ही जो है वो कोई बिजनेस जो है वो रन करती है। ओके, एंड दिस इज़ वट आई नो अबाउट योर पर्सन। दूसरी बात यह है कि टेन ऑफ वांड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब अपने घर की जिम्मेदारी, अपनी फैमिली, अपनी, अभी तो ऑफकोर्स वन मैरिड हैं तो उनकी सीबलिंग्स और पेरेंट्स लोग ही हैं ना, लेकिन
शादी के बाद ऑफ कोर्स उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, जो कि मुझे दिख रही है बढ़ती हुई आफ्टर हैविंग वाइफ एंड किड्स। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस इंक्रीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज, ठीक है। तो ये पर्सन रेडी है, इनको पता है कि ये उठा सकते हैं बोझ इसका, ओके। सो दिस इज़ द थिंग ओवर हियर। ऑल्सो फॉर योर पर्सन आई कैन सी के ये पर्सन पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी ब्यूटी, योर लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद इनको आएगी। दे वुड लिटरली बी डाइंग फॉर जस्ट लुकिंग एट यू। हो सकता है बहुत सारी पिक्चर्स इसके वैलेट में हों, इसकी पर्स में हों, या इसकी मोबाइल में हों आपकी बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन दिन रात आपकी पिक्चर्स देखता है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर टू, हो सकता है आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, यू नो देम ऑलरेडी, ठीक है ना। इवन इफ़ यू डू नॉट, डजेंट मैटर, ये फ्यूचर एनर्जी है, लेकिन मैं लता से भी देखती हूँ, मे बी यू नो देम, ठीक है। लेकिन आई हियर आई कैन सी कि ये पर्सन आपकी लुक्स, यू सी पेज ऑफ कप्स, देखो ये किस तरह से कप को देख रही हैं पर्सन, ठीक है। आप कप को एज यू योर ओन सेल्फ इमेजिन कर सकते हो, और ये पर्सन ये यही है, लिटरली दे आर वॉचिंग एट यू। और मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपको दूर से, डिस्टेंस से भी देख रहे हैं, ठीक है। और आई नो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, दे लिटरली आर डाइंग फॉर यू, लिटरली दे वांट यू, मतलब जो मर्ज़ी हो जाए ये पर्सन आपको मतलब पा के रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसको पसंद बहुत हो गया, पसंद बहुत ज़्यादा है इसकी आप, है ना। दे लिटरली लव यू, दे लिटरली लाइक यू, और ऐसे ही है, ठीक है। लेट्स सी मोर, क्वीन ऑफ कप्स, देखो अगेन वही लाडली वाइफ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं जो, दैट इज़ यू, ठीक है। इस पर्सन को आप में जो मेन चीज़ पसंद होगी, दैट इज़ योर फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी में आप जब होते हो, यू आर एट द टॉप ऑफ योर पर्सनैलिटी, एट द पीक ऑफ योर पर्सनैलिटी, जहाँ बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हो, बहुत ज़्यादा लविंग होते हो, ख्याल बहुत रखते हो, एम्पथेटिक हो, बहुत ज़्यादा हमदर्द हो, हर एक की गम में, हर एक की खुशी में आप साथ होते हो उसके, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि वेन समबडी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। क्वीन ऑफ कप्स सिर्फ बाहर के खूबसूरत या सुंदर नहीं होती हैं, क्वीन ऑफ कप्स इज़ ऑलवेज फोकसिंग ऑन हर इनर सेल्फ, कि उसकी हाथ से किसी को परेशानी ना हो, दुख ना हो, ठीक है ना। दूसरों का ख्याल जो लोग ज़्यादा रखते हैं ना, और अपना बाद में आता है उनका सेल्फ, दिस इज़ अ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सो दिस इज़ नो आई नो अबाउट योर पर्सन, ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनको आपके टेंडर टच, इवन आपके हैंड्स, टू मच फेमिनिनिटी, और उनको ये पर्सन, दे लिटरली कैन नॉट स्टैंड दिस एनर्जी। आपका धीरज वाला मिजाज, आपकी तबीयत, टेम्परेंस, पेशेंस, ठीक है। बिना आपकी आवाज़ भी ऐसी है कि ये पर्सन उसके पीछे भी दीवाना होगा। टेम्परेंस इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस, कॉम्प्रोमाइजेज, ठीक है। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है। अब मैं ये नहीं कहती कि आपको सारी उम्र कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट कि ये पर्सन दे लव इट कि व्हेन यू आर द थिंग, जब आप फजूल में ज़िद नहीं करते हो, फजूल में, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, लड़ाई नहीं करते हो फजूल में, जब आपको पता है कि दे आर हेल्पलेस इन सर्टेन मैटर, तो फिर आप उस पर ज़िद नहीं करती हो। यू आर लाइक कि ठीक है यार, अगर वो कर सकते होते तो वो कर देते, अगर तो वो नहीं कर रहे मीन्स को परेशानी है, मुझे फजूल में ज़िद नहीं करनी है। ये आपकी क्वालिटी उसके दिल में घर कर गई हुई है, और इस वजह से यू आर द क्वीन ऑफ देयर हार्ट। टू ऑफ सोर्ड्स, विद दिस एनर्जी हो सकता है कि इनको कुछ इतनी ज़्यादा क्लैरिटी ना मिले फॉर मैरिज में भी, इनकी फैमिली, वेट लेट मी चेक आउट क्या अनक्लैरिटी क्या है भाई इनको।
सिक्स ऑफ वॉन्स गाइस, देखो फैमिली का मसला नहीं है, मसला कुछ और है, मसला उनके करियर का है। क्योंकि ये इंसान बहुत परफेक्शनिस्ट टाइप है, ये आपको पूरा जहान पूरी दुनिया देना चाहता है, ठीक है। लेकिन आई गेस कि जहाँ पर वो होना चाहता है टॉपर, वहाँ पर वो भी नहीं है। दे वॉन्ट टू विन यू, दे वॉन्ट टू गिव यू होल वर्ल्ड, ओके। लेकिन वो चाहता है कि मैं किंग बनूँ तो ही मैं इसको क्वीन बनाऊँगा ना, ठीक है। मैं इसको क्वीन कैसे बनाऊँ जब तक मैं खुद ही किंग ना होऊँगा। सो दिस इज़ देयर वाइब। सो ये इंसान पहले पैसे कमाना चाहता है, पहले ये हासिल करना चाहता है सक्सेस, फिर ये इंसान आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्स एंड टेन ऑफ कप्स, देखो डिफ़िकल्टीज हैं और किसी के लिए भी स्मूथ रोड नहीं होती। हर एक को अपनी अपनी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, ठीक है, ये उनको भी हैं। और ये इंसान बहुत स्ट्रगलर है, ठीक है। और लेकिन ये है कि टेन ऑफ कप्स, यू सी, ये चाहता है आपको इस तरह की, यू सी, यू कैन सी दिस चाइल्ड इन योर हैंड। आपको अपने फ्यूचर किड्स को चाहता है कि बहुत प्यार से रखे, आप लोगों को कभी ना कोई शिकायत ना हो, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ ये पर्सन आपको ऐसे बोलता है कि भाई अभी मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ फाइनेंशियली, तो वो ठीक कह रहा है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, इसकी मॉम की एनर्जी है, मॉम इनकी इन्फ्लुएंशियल है भाई, फोल लेकिन सुनते नहीं है मॉम की। वाह क्या कॉम्बिनेशन है। मोमिन की स्ट्रिक है, मोमिन की कमांडिंग है, बट द फुल एनर्जी दे लिटरली डोंट लिसन टू हर, अपनी मर्जी करते हैं शुरू से ही। इनकी मॉम को पता भी है इस चीज़ का, ठीक है, कि ये मेरी नहीं सुनेगा। हो सकता है इन्होंने कोई और पसंद की हो इसके लिए, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू लिसन दैट, और ये अपनी मर्ज़ी से आपके साथ शादी करेंगे। और ग्रुप टू, आपको इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई फिर तो मेरी मदर इन लॉ से बनेगी नहीं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उनके साथ नहीं रखेंगे। ये पर्सन एक जगह पर नहीं रहता, ये बहुत सारी जगह चेंज करता रहता है, या तो उनके काम का, बिजनेस का, ऐसा कोई सिचुएशन है या फिर जो भी है, वट एवर, ठीक है। सो डोंट वरी, आप मदर इन लॉ के साथ नहीं रहोगे, अगर स्पेशली अगर आप उनके पसंद के नहीं हो, तो दे विल नेवर फोर्स यू टू लिव विद हर, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर, इट इज आई एम अ लाइट, ओके। सो गाइज, ग्रुप नंबर टू, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ की वाइब है कि दिस पर्सन जस्ट लाइक अ लाइट, ओके, लाइट इन योर लाइफ, लाइट इन इन योर फ्यूचर, bringing light in your future, जो कि मुझे दिख रहा है। सो डोंट वरी, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम बॉन्डेड। देखो लिटरली दिस पर्सन थिंक्स कि दे आर कनेक्टेड टू यू, दे आर बॉन्डेड टू यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखता है कि आपके अंदर भी एक ऐसा मैजिकल ऑरा है, आपके अंदर भी एक मैजिकल गम है जो कि उनको अपने साथ जोड़ के रखेगी, एंड दैट इज़ योर प्योर लव। आपकी टेंडर, आपकी सॉफ्ट, आपकी अदाएँ, एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है। तो ये बंदा कभी भी आपको छोड़ कर नहीं जाने वाला, ये कन्फर्म है, कन्फर्म है। चाहे सारा पूरा परिवार इनके खिलाफ हो जाए, चाहे आपको कोई पसंद ना करे फैमिली में, दे डोंट केयर। और इन एक्सट्रीम केसेस ये भी हो सकता है कि पर्सन आपको खुद ही बोले कि भाई तुम किसी फैमिली फंक्शन में ना जाओ, ये लोग अगर तुम्हें पसंद नहीं करते तो हम नहीं जा रहे, और ये भी नहीं जाएंगे आपके साथ, ठीक है। आई एम अ चाइल्ड, देखो हो सकता है इनकी कोई चाइल्ड ट्रॉमाज इनके रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिक्ट मॉम मुझे पहले ही यहाँ दिखी हैं। सो इनकी मॉम से भी इनको कोई ख़ास मोहब्बत नहीं मिली ज़िंदगी में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज सो मच इनटू दिस
लव डिप्राइव्ड फीलिंग, ठीक है, कि मोहब्बत नहीं मिली. सो जब आपको उनसे, आपसे उनको मिली मोहब्बत, तो ये इंसान दीवाना हो गया. दे वर लाइक ओ माई गॉड, ये वो मोहब्बत है जो मैंने पहले अपनी माँ से क्रेव करी, नहीं मिली. फिर और जगहों पर लिटरली दे वेंट टू गेट दैट लव, नहीं मिला. जब इनको आपसे मिलेगा तो ये पर्सन लिटरली पागल हो जाएगा, पागल. ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स मोर आई एम चूजन. ठीक है, सो लिटरली इंसान बहुत ज़्यादा फील करेगा कि दे आर चूजन, मतलब आपने उनको चूज़ किया है, दे आर स्पेशल. एक स्पेशल वाली फीलिंग होती है ना, जो हमेशा हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है बचपन से, ठीक है, वो कभी भी नहीं मिली इनको, और वो आप इनको देंगे. इसलिए ये बंदा, दे डोंट वांट टू लीव यू, आई एम सील्ड, यू सी. बहुत ही ज़्यादा लॉयल वाइब है, यू सी, आई एम बॉन्डेड, ये वाला कार्ड, आई एम सील्ड. ये लिटरली आप इनको हुक करके रखोगे, हुक करके इनको नहीं जाने दोगे. बॉन्डेड, सील्ड, ओ माय गॉड, व्हाट टाइप ऑफ क्लू यू हैव, फाइल नंबर टू, प्लीज़ शेयर द ब्रांड नेम विद मी एज वेल. सो दिस इज सो सो लवली. ठीक है, आई विल गाइड यू. ठीक है, सो दिस इज़ अ गाइड एज वेल. या फिर हो सकता है कि आपकी गाइडलाइन में ये पर्सन बहुत प्रॉस्परस बहुत हो जाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है इसको जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आई डोंट नो. लेकिन आप, यू आर द लीडर हियर, यस यू आर द लीडर. ठीक है, सो लेट्स सी ग्रुप टू मोर प्री प्रोसिक्यूशन एंड इंक्विजिशन. सो लिटरली दिस पर्सन वॉज ट्रैप्ड समवेयर, ट्रैप्ड. या तो ये एक्स पार्टनर हो सकता है, या इनकी अपनी कार्मिक फैमिली भी हो सकती है. लिटरली आपके साथ जब इंसान आया है तो उनको लगा कि भाई मैं तो किसी कैद से निकल गया हूँ, मुझे प्यार मिला है फाइनली, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला. एक नेचुरल है यार, एक नेचुरल है ये इंसान के अंदर कि अब आपको ऐसे लगे कि यू नो, इंसान सदियों का भूखा हो प्यार का, और कहीं से मिले और कभी भी आप वो जगह नहीं छोड़ना चाहोगे. विजडम, ठीक है, उनको बहुत वाइज डिसीजन लगा जब ये आपके साथ मिलेंगे. हेल्थ, हो सकता है इनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हुई है इस सारे प्रोसेस में, बचपन से लेकर के अब तक, मेंटल हेल्थ. ठीक है, सो उसकी भी रिकवरी होगी डेफिनेटली. सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट देयर प्रोफेशन, करते क्या है. मुझे तो ये लिटरली कोई बिजनेस मैन लगते हैं. इजिप्ट, नाइटहुड, कोई फोर्स में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, या फिर ट्रैवल, ट्रैवलिंग के वैसे ही ये शौकीन है, या फिर कोई काम ऐसा करते हो सकते हैं जहाँ ट्रैवल बहुत करना है, या ये होंगे ही ट्रैवल एजेंसी इस तरह की ना, यहाँ पर कोई हो सकता है इनकी कोई अपनी वो हो, कैब सर्विस, या ये कैब सर्विस से कनेक्टेड हो, या ये पायलट, ड्राइवर, ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवे, मेट्रो, इस तरह की किसी कंपनीज में बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी, वहाँ हो सकता है कोई काम करते हो सकते हैं. लेकिन मैंने बताया जैसे शुरू में कि इनकी इनकम स्ट्रीम एक नहीं है भाई, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं इनकी. ठीक है जी, आगे चलते हैं एंड लेट्स सी मोर के पर्सन का टेम्परामेंट कैसा है. कंप्लीशन, वही मैंने आपको पहले बताया ना कि लिटरली एक चीज़ ख़त्म करके ज़िंदगी में, इनकी पेनफुल एंडिंग रिश्तों की, सब धोखेबाज इनकी परिवार में, इन्होंने बड़े बड़े को धोखे दिए. ठीक है, तो उसको ये फेस करके आ रहे हैं. ठीक है, गरीब, उसका बड़ा गम भी है इनको, इन्होंने बड़े अपनों को खोया भी है. ठीक है, और बड़ा रोए भी हैं ये ज़िंदगी में, परसेवरेंस, लेकिन ये हमेशा स्टैंड फास्ट रहे हैं, ग्राउंडेड रहे, इन्होंने कभी भी मैदान नहीं छोड़ा, भागे नहीं, पॉजिटिव रहे हैं. ठीक है ना, परसेप्शन, और इसी तरह से आप इनको, इसी तरह से यू कैन सी दिस डॉल. ठीक है ना, ये हार्ट चक्रा का कार्ड है, ग्रीन वन, और यू कैन सी दिस हार्ट चक्रा, इनका हार्ट आपने हील किया,
और आप सोच सकते हो कि कभी इंसान छोड़ेगा आपको, कितनी प्रॉब्लम से निकल के जो आया है, ठीक है। सो लेट्स सी द मिस्ट्री बाउल, व्हाट्स देयर फॉर यू। ओके जी, ग्रुप नंबर टू, लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले है जी स्पिरिचुअल पर्सन। हाँ, हो सकता है ये है ना कोई स्टार सीड या चोजन वंस होते हैं ना, जिनका स्पिरिचुअल मिशन होता है, स्पिरिट मिशन में होती है उनकी सोल। डेफिनेटली उनको कार्मिक फैमिली में पैदा होते ही होते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो अपना पार्टनर उनको मिल जाए जो कि उनके सेम स्पिरिचुअल जर्नी पर उनके साथ चले, ठीक है। सो वर्कआउट, ये उनको पसंद है, जिम वगैरह जाना, वर्कआउट करना। लव योर कंपनी, उनको बहुत पसंद है आपसे बातें करना, आपकी कंपनी में रहना। नेटिव अमेरिकन, योर एक्स, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, लेकिन मुझे रीडिंग में नज़र नहीं आया, लेकिन बिकॉज यू नो दिस आर नॉट प्राइवेट रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स हुई नहीं है, तो मे भी हो सकता है किसी एक का हो और आपको पता है ये कौन है। कैप्रिकॉर्न 911, ओके, दिस नंबर इज़ फॉर एमरजेंसी कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स। शॉर्ट हेयर, छोटे बाल होंगे इनके। जापान, घोस्टेड यू, इसने आपको हो सकता है आपके साथ धोखा किया, आपको छोड़ दिया था। वीनस है दिस प्लैनेट ऑफ लव ब्यूटी एंड ट्रायर, ओके, जो मैरिज प्रपोजल इज हियर, सो मे बी दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज यू फॉर मैरिज, ओके। सो डेट ऑफ बर्थ 22nd से 31st के बीच में हो सकती है। रशिया एंड डांसर, सो मे बी दे लव टू डांस, उनको पसंद है। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, सो यू नो हेल्दी पर्सन है वैसे। ऑनलाइन सेलर, ठीक है, एंड फ्रांस, और ये है बेस्ट फ्रेंड। सो ये सबसे अच्छा मैसेज निकला कि दे विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। सो पार्ट नंबर टू, लेट्स सी देयर नेम इनिशियल्स, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दीज आर द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन, एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू माय लव्स। ऑलराइट, सो ये नेम इनिशियल्स हैं आई एम जी ए एंड यू ओ अगैन डी आर, सो इट कैन बी डॉक्टर, यू जी एच बी क्यू एंड दिस इज के क्यू एम डब्ल्यू एंड सी, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर टू। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।